सभी को नमस्कार। आज मैं आपको इको ब्रिक के बारे में बताऊंगी, जो हमारी वेस्ट पॉलिथीन होती हैं, जिसको हम कूड़े में फेंक देते हैं, जो ये नालियों को चॉक कर देती हैं। बरसात में नालियां भर जाती हैं, चारों तरफ पानी फैल जाता है और इन पॉलिथीन को गाय खा लेती हैं। गायों के बहुत ऑपरेशन हो रहे हैं और ये पॉलिथीन जब जमीन के अंदर रहती हैं तो करीब 20 साल तक ये जमीन के अंदर रहती हैं और जमीन को बंजर बना देती हैं, उसकी ऊर्जा शक्ति खत्म कर देती हैं। तो आपने क्या करना है, इन पॉलिथीन रूपी राक्षस को एक बोतल के अंदर बंद कर देना है। देखिए, मैंने आज एक ही दिन के अंदर इतना सारा कूड़ा इकट्ठा करके, इतनी सारी पॉलिथीन इकट्ठी करके, जो मुझे पता भी नहीं था कि एक दिन में मैं इतनी पॉलिथीन इकट्ठी कर सकती हूँ, और इसको मैंने इसके अंदर भर दिया है और ये बिल्कुल टाइट बंद होनी चाहिए। देखिए, दब नहीं रही है। अगर ये कहीं से दबती है तो इसको और प्रेस करके इसको अंदर तक दबाएं और ये इको ब्रिक्स बनाएं। जितनी भी इको ब्रिक्स अगर आप बनाते हैं तो पर्यावरण के लिए हेल्प करते हैं, पोल्यूशन नहीं होगा। इससे बहुत पोल्यूशन हो रहा है, गाय मर रही है, धरती की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। जब एक पॉलिथीन को जलाया जाता है तो उसमें से इतनी जहरीली गैस निकलती है कि जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है हम सबके लिए। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इको ब्रिक बनाएं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, केमिकल से चिपका के चेयर बना सकते हैं, इनको काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इको यूज़ नहीं करनी है तो आप मुझे दे सकते हैं।